हेलो एवरीवन, तो मॉम्स लवर गली में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं पोहा। पोहा बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ले रखी है प्याज, धनिया और मिर्ची। इसी के साथ हम लोगों ने किशमिश भी पानी में गला भिगो के रख दिए और ये हमने मूँगफली भी भिगो के रख दी है। आधे घंटे पानी में गलाने के बाद अब हम उन्हें छील लेंगे। तो ये हमने अपना पोहा 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है, गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राई। अब हमारी राई चटकना शुरू हो गई है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। मिर्ची और अपनी मूंगफली भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारे सारा मसाला भुन के तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश, पहले थोड़ी देर के लिए भूनना है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालने वाले हल्दी आधी चम्मच, लाल मिर्ची स्वाद अनुसार जिस हिसाब से आप खाते हो, और नमक 2 चम्मच या स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें हमारे पोहे डाल देंगे। अब पोहे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी खटाई ऐड करेंगे, मेजरमेंट से 1/2 चम्मच, और 1/4 चम्मच गरम मसाला, इन्हें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हमारे पोहे बनके तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। अब हम इन्हें धनिया से गार्निश कर लेंगे और साथ ही में सेब भी डाल देंगे ऊपर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे कोई भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।